हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एजुकेटर निमिषा में। न पिछले कई वीडियोस में नवोदय के मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ रही थी। अब आज से मैं आपके लिए गणित के सवालों को लेकर आऊँगी। नवोदय के सिलेबस में आने वाले सभी गणित के टॉपिक्स को मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो संख्या पद्धति की जो संक्रियाएँ होती हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक लिया हुआ है। तो आप लोग एक निश्चित समय सीमा में इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नवोदय परीक्षा में प्रश्नों को हल करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक निश्चित समय सीमा में उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। इन सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को अवश्य लिखिए। अपने जो भी आंसर लिखे हैं उन आंसर्स को बाद में इस वीडियो के बाद मैं वह सारे सभी सवालों से संबंधित पूर्ण विधि पूर्वक आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन सवालों को हल करना है। इसलिए क्विज को करने से पहले, टेस्ट को करने से पहले पेंसिल और कॉपी अवश्य लेकर बैठें और सवालों को हल करते जाएं और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। Thank you.
आशा करती हूँ कि आपने सभी क्वेश्चंस के जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे होंगे। आपको सवालों को करने में यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी आई है तो भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि अब मैं आपको हर सवाल का जवाब विधिपूर्वक बताने वाली हूँ कि किस सवाल को किस तरीके से किया जाना है। तो यदि आपका कोई सवाल गलत हुआ है या आंसर गलत आया है तो उसको ध्यान से देखिए कि आप क्या गलती कर रहे थे, और उन ऐसे सवालों का बार बार अभ्यास करिए, क्योंकि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो चलिए आइए सॉल्यूशंस को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, 353 में से कौन सी अभाज्य संख्या घटाएं कि वो 3 से विभक्त हो जाए। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित तभी होती है जब उसका योग 3 से विभाजित हो जाए। तो आपको सबसे पहले इस सवाल में क्या करना है, इस संख्या का योग करना है। तो जैसे ही हम योग करते हैं तो आप देखेंगे 3 + 5 + 3 यानी कि 11 आएगा। अब 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है। अब 11 नहीं आता है और हमको घटाना है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमें प्लस नहीं करना है बल्कि माइनस करना है। तो घटाने के लिए आपको अब 11 में से आप क्या घटाएं कि ऐसी संख्या आ जाए जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 11 से छोटी वो संख्या क्या होगी, 9 होगी। और 11 से 9 की में हमको कितना घटाना पड़ा, 2 घटाना पड़ा। तो यही 2 हम यहाँ से भी घटा देंगे। तो ये 2 यहाँ से हम जब घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 351। तो यही 351 हमारी संख्या होगी जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसके लिए आपको इस संख्या में से 2 घटाना पड़ेगा और यही आपका आंसर भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू है कि यदि 7809 और ये यहाँ पे डैश है और 4, ये एक संख्या है, इस संख्या में 9 और 3 दोनों से विभाज्य हो। ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है ये संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, जो ये स्टार है इसके स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या आए कि उसे लिखने के बाद ये जो संख्या बनेगी ये 9 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको इसका योग करना होगा। यहाँ पर भी आपका नियम चलेगा। नियम क्या होता है, 9 और 3 से वही संख्या विभाजित होती है जो ये संख्या का योग 9 और 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या भी 9 और 3 से विभाजित होगी। अब हम इसका क्या करके देखेंगे, इसका योग करके देखेंगे। योग करिए, 7 + 8 + 9 + 4 कितना होगा, 7 8 9 4 का योग होगा 28। कितना आया आपके पास, 28। अब आपको क्या करना है, स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आपको लानी है। तो संख्या लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 28 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अब आप इसमें क्या जोड़ सकते हैं, इससे आगे की कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होती है, ना तो 29 होती है, ना 30 होती है, 31 भी नहीं होती, 32 भी नहीं होती, 33 भी नहीं होती, 34 भी नहीं होती, 35 भी नहीं होती। कौन सी संख्या होती है, 36। 36 संख्या ऐसी है जो 9 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी। अब 36 लाने के लिए हमारा योग 28 है, 28 से 36 लाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 36 - 28, तो कितना आंसर आएगा आपका, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर जो आएगा वो आएगा स्टार की जगह पर 8। जब आप 8 लिख देंगे तो इसका योग 36 हो जाएगा, और 36 होने के बाद ये 9 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी, तो ये संख्या भी 9 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 800 और 900 के बीच की वह कौन सी संख्या है जो 13 और 17 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो 13 और 17 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली 800 और 900 के बीच की संख्या वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 13 और 17 है, तो 13 और 17 को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। हम 13 को 17 से गुणा करेंगे। जब हम 13 को 17 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आप गुणा करके देखिए, आपका आंसर आएगा 221।
अब हमको चाहिए 800 और 900 के बीच की, तो हमको 221 को हम कितने से गुणा करके देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ 8 है, तो कम से कम 4 बार तो आप इसे गुणा करके देखिए, तो 4 एकम 4, 4 दुनी 8 और 4 दुनी 8, तो ये 884 जो संख्या होगी वो 800 और 900 के बीच की वह संख्या होगी जो 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 82459 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 1099 तथा शेष 34 बचे। अब इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि भाग में जो भाग के सवाल होते हैं उसमें भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं। यदि आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो आप बहुत गड़बड़ करेंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे भाजक भाज्य में और सवाल के गलत होने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इस जब आप भाग करते हैं, भाग में आप किस तरीके से लिखते हैं, देखिए इस तरीके से आप लिखते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। अगर आपको 8 यहाँ पे है और 2 है तो 2 4 8 लिखते हैं, तो यहाँ पे जो आपका ये होता है इसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं इसे हम? भाजक। और यहाँ पे ये होता है बीच में भाज्य। क्या होता है? भाज्य। और ये होता है हमारा भागफल। इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ भाजक, यहाँ भाज्य, यहाँ भागफल। जब ये चीज़ आपको याद रहेगी तब आपके सवाल गड़बड़ नहीं होंगे, तो इनको हमको याद रखना है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको भागफल दिया है, शेष दिया है और किस संख्या से भाग दें यानी भाज्य दिया है, तो आपको क्या निकालना है? भाजक निकालना है। तो भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे आप? भाजक निकालने का फॉर्मूला होता है भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल। भागफल ये इसका फार्मूला है। जब इस फॉर्मूले में आप इस क्वेश्चन को रख देंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 82459 माइनस 34 और इसको हम डिवाइड करेंगे 1099 से, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? इसमें आएगा 8, देखिए मैं करके दिखाती हूँ, 82459 माइनस 34 और अपॉन कर देंगे आप 1099। इतना करने के बाद आपका आएगा 82425 अपॉन 1099। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 75, तो यही आपका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 1224 यानी 1224 में से कौन सी अभाज्य संख्या घटाएं कि वह 5 से विभक्त हो जाए। इन रूल्स को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये अक्सर गणित में नवोदय की परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 से विभाजित होने का, 6 से विभाजित, 9 से विभाजित, 5 से विभाजित, इनके रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको 5 से विभाजित करने के लिए कौन सी संख्या 5 से विभाजित होंगी, बहुत सिंपल सा है कि जिनके पीछे 0 5 होता है वो संख्या 5 से विभाजित होती हैं। तो यहाँ पर 1224 में से कौन सी अभाज्य संख्या आपको घटानी है कि वह 5 से विभाजित हो जाए, तो इसको आप किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले इसमें से आपको क्या घटाना होगा, यहाँ पर 1220 होना चाहिए, 0 होगा तो आपके पास उत्तर आएगा यहाँ 4 घटाना है, लेकिन 4 आपके आंसर में नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 4 घटा के आपका पहले, सबसे पहले आपने क्या घटाया, सबसे पहले आपने घटाया, माइनस किया 4, आपका उत्तर आया 1220, लेकिन ये 4 आपके आंसर्स में नहीं है। अब आपको क्या करना है, फिर आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस 5 करेंगे तो आपका आएगा 1215, तो यहाँ पर आपका घट गया टोटल 9 घट गया, लेकिन 9 भी आपके आंसर में नहीं है। फिर आप माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1210, और ये 9 5 में जोड़ा 14, लेकिन 14 भी आपके आंसर में नहीं है। फिर आप 1210 में से फिर 5 माइनस करेंगे 1205, और ये 14 में 5 और माइनस हो गया तो ये हो गया 19,
तो आपको कुल कितना माइनस किया, 19, और 19 आपके आंसर में है, तो आपका आंसर 19 होगा। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक भाग के सवाल में भाजक 25, भागफल 30 तथा शेष 15 है, तो भाज्य क्या होगा। यदि आपने पिछले क्वेश्चन में मेरे को ध्यान से सुना है तो आप, मैंने आपको बताया था कि भाजक भागफल आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन सवालों को कर पाएंगे। तो यहाँ पे भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आपका होगा 25 गुणा 30 प्लस, फिर से देखिए, 25 गुणा 30 प्लस 15। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो इसका उत्तर आएगा आपका 750 प्लस 15, आंसर हो जाएगा 765, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 4 अंकों की लघुतम संख्या बताएं जो 82 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 4 अंकों की लघुतम संख्या क्या होती है, 4 अंकों की लघुतम संख्या होती है 1000, ये सभी को पता है। अब उन्होंने कहा है कि 4 अंकों की लघुतम संख्या बताएं जो 82 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 4 अंकों की लघुतम संख्या जो 82 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि 1000 को आप 82 से डिवाइड करके देखिए, इसको 82 से आप डिवाइड करिए। जब आप इसे 82 से डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 12। जब इस 12 उत्तर आया, यानी कि 12 यहाँ पे उत्तर आया, और शेषफल आएगा आपका 16। ये जो शेषफल 16 आएगा आपका, अब शेष 16 आया, यानी कि 1000 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, उसको हमें 16 माइनस करेंगे तब पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो आपको क्या करना है, 1000 में से 16 माइनस कर दीजिए, 1000 माइनस 16 कर दिया आपने, तो आपका उत्तर आया 984। ये 984 इस 82 से पूरा पूरा विभाजित होगा। 984 में अब हमको छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की, ये तो 3 अंकों की संख्या है, हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त करनी है जो 82 से डिवाइड हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इस 984 में 82 को प्लस कर देंगे, इस 984 में 82 को प्लस कर देंगे, प्लस 82। तो 984 में जब हम 82 को प्लस करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1066, और ये 1066 वो लघुत्तम संख्या होगी जो 82 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से इन सवालों को आपको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपको ध्यान रखना होता है कि आप किस तरीके से इनको, पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद उनको कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6257 में अंक 2 और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो आपको इकाई दहाई सैकड़ा 1/10 अच्छे से पता होंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए कि कौन सी संख्या किस स्थान पर है। यहाँ पे 5 टेंस के स्थान पर है और 2 हंड्रेड के स्थान पर है, यानी कि 5 दहाई पर और 2 सैकड़ा पे। तो यानी कि 2 का मान क्या है, 200 स्थानीय मान, और 5 का 50। अब इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो आपका कितना उत्तर आएगा, आपका उत्तर आएगा 10,000। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 36459 36,490 या 36,490 में यदि 6 और 9 को आपस में बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर होगा। ध्यान से सुनिए सवाल को कि आपको दोनों संख्याओं में 6 और 9 के स्थान को परिवर्तित करना है और फिर उनका अंतर पता करना है। तो आपके पास एक संख्या तो है ये, और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, एक संख्या आपकी ये है और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 3, 9, 4, 6, 0। क्यों, क्योंकि हमने 6 और 9 को आपस में बदल दिया। अब इसमें से आप जब इसको घटा देंगे तो आपका उत्तर आएगा 2, 9, 7, 0, और यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 4573 में से क्या घटाएं कि संख्या 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। 9 से विभक्त होने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, आप इसको जोड़ लीजिए। जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे देखिए आपका आंसर कितना आएगा, 4
प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 और इसका ये आएगा आपका उत्तर 19। अब 19 9 से विभाजित नहीं होगा और आपको क्या करना है, घटाना है। तो आप 19 में से कितना घटाएं कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 9 दुनी 18 होता है, यानी कि 19 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 18। तो इस संख्या में से अगर आप एक घटा देंगे तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, ये 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। इसी तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर समय समय पे मैं आपके पास आती रहूँगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक संख्या में इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि अपने देश के कोने कोने में बैठा हुआ बच्चा नवोदय की परीक्षा में भाग ले सके और उसमें सफलता प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच।